नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड यू आर वाचिंग हेल्पलाइन प्लस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि YouTube पर चैनल कैसे बनाया जाता है और उसके थ्रू आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट इसी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट का होना कंपलसरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सारा कुछ लाइव होगा इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें तो आपको बात समझ में आएगी। मैं बहुत ही मैनुअली तरीके से, मैं जैसा कि हम लोग आपस में बात करते हैं, मैं कोई बुकिंग लैंग्वेज में या फिर ऐसा कुछ प्रोफेशनल टाइप का बात नहीं करता हूँ। मैं जेन्युइन तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे आपको जल्दी समझ में आएगी बात। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब खोलता हूँ। चलिए मैं यूट्यूब, यहाँ पर यूट्यूब खोला मैंने। ठीक है, YouTube मैंने क्रिएट कर दिया है। YouTube का जो होम पेज है उसको खोलने के बाद आप देखेंगे कि राइट साइड में ये ब्लू कलर का ये जो आइकन बना हुआ है शाइन इन का, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे, आपको आपसे जीमेल का अकाउंट पूछेगा कि आप किस आईडी से ओपन करना चाहते हैं। मतलब ये सारे मेरे साइड हैं, मतलब इतने सारे मेरे चैनल्स हैं। ये हुए मेरा ये अनीश कुमार का ये जो ईमेल आईडी है, ये मैंने अभी न्यू आपको बताने के लिए ईमेल आईडी बनाया है। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें पूछेगा पासवर्ड, कि ईमेल आईडी का जो आपका पासवर्ड है उसी से इसको लॉगिन करना पड़ता है, क्योंकि गूगल के ही सारे साइट्स हैं, यूट्यूब हो गया फिर और गूगल प्लस हो गया वगैरह वगैरह। तो ये इसमें आप पासवर्ड डालिएगा अपने जीमेल अकाउंट का। चलिए मैंने पासवर्ड डाल दिया है और ये लॉगिन हो रहा है। ये देखिए, ये लॉगिन हो गया है। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आना है माई चैनल में, क्योंकि अभी आपने सिर्फ लॉगिन किया, अभी आपने अपने चैनल क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो अभी आपको अपना चैनल क्रिएट करना है, तो माई चैनल में यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही माई चैनल में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर पूछेगा क्या नाम से आप रखना चाहते हैं, अपना चैनल का नाम क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि सपोज दैट कुछ भी, हेल्पलाइन प्लस जैसे मैंने रखा है, अपने मेन मेरा जो लीड चैनल है जिससे मेरी मेन अर्निंग आती है, और ऐसे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। सपोज अगर मैं अनीश कुमार की जगह कर देता हूँ हिंदी, हिंदी कुछ भी यूनिक नाम जो कि प्रोफेशनल टाइप का लगे। बस नाम ही जो होता है ना, काफी अट्रैक्शन का पॉइंट होता है आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कुछ नाम यूनिक रखें ताकि पब्लिक को, ज़्यादा लंबा नाम ना रखें। लंबा नाम रखने से आदमी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फाइंड करने में, खोजने में। तो नाम रखें छोटा सा ही, जैसे कि अनीश जैसे हम रख देते हैं मस्ती ज़्यादा। ओके, मस्ती ज़्यादा हो गया, मस्ती ज्यादा है। एंड ये यहाँ पर क्रिएट चैनल जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर क्रिएट करता हूँ। देखिए आपका चैनल जो है क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर चैनल डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ चैनल डिस्क्रिप्शन मतलब आप अपने चैनल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि क्या, किस बारे में है, व्हाट अबाउट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मस्ती ज़्यादा है, तो ये क्लियरली समझ में आता है कि मस्ती के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। तो इट्स चैनल अबाउट, चैनल ओनली अबाउट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर कर दीजिए डन, ये आपका जो है डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हम मैं आपको बताता हूँ इसमें। अभी देखिए आपके 0 सब्सक्राइबर हैं, वीडियो मैनेजर में आपको जाना है। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर आपका वीडियो शो होगा। देखिए नो वीडियो वे आर फाउंड, मतलब अभी तक आप, मैंने इसमें एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, इसलिए मैं कोई भी एक वीडियो अपलोड करूँगा। और जैसे ही अपलोड करूँगा, पहले सबसे पहले इसका डैशबोर्ड में आ जाए।
ये इसका डैशबोर्ड है, ये वीडियो मैनेजर है, मतलब वीडियो कैसे मैनेज करना है, कैसे ये सारा कुछ इसमें बताता है। लाइव स्ट्रीमिंग इसकी अभी ज़रूरत नहीं है आपको, मैं इसके इस पूरे ट्यूटोरियल में आपको सारे जितने भी फंक्शंस हैं इसके सारे मेन्यूज के बारे में आपको बताऊंगा। कम्युनिटी चैनल, ठीक है, मैं चैनल के लिए मैं क्लिक करता हूँ एंड वेरीफाई करना होगा इस चैनल को पहले एक बार, ठीक है। तो इसके लिए वेरीफाई में जाऊँगा, उसके बाद यहाँ वेरीफाई लिखेगा, सेलेक्ट कंट्री इंडिया, हाउ शुड वी डिलीवर योर वेरीफिकेशन कोड, कॉल के थ्रू। चलिए कॉल के थ्रू मैं वेरीफाई करूँगा। जैसे ही मैंने कॉल यहाँ पर लिखा, और जो फ़ोन नंबर, मैं फ़ोन नंबर यहाँ पर अपना डालूंगा, ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, मैं क्लिक करूँगा एंड सबमिट। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर मेरे को फ़ोन आएगा अभी कन्फर्मेशन के लिए, तब जाके मेरा कन्फर्म हो जाएगा ये। और यहाँ पर आपको फ़ोन आने पर जो है वेरीफिकेशन कोड डालना है, ठीक है। ये मेरा कॉल आ चुका है, ये फोन है। हो गया, ये सबमिट मैं कर दूंगा। चलिए ये सबमिट हो चुका है एंड कंटिन्यू, ये हो चुका है वेरीफाइड हमारा, ठीक है, वेरीफाइड हो गया हमारा ये चैनल। अब हम इसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अभी मोनेटाइज आप इनेबल नहीं कर सकते, मोनेटाइज होने के बाद ही वीडियो को आप अर्न कर सकते हैं पैसा। इसमें आप चले आइए, इसका जो प्रोफाइल पिक्चर है, मैं इसमें प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, क्या आपको प्रोफाइल पिक्चर रखना है। एंड ये है चैनल आर्ट, मतलब पीछे में आपको फोन में ऐसे सिस्टम पूरे डेस्कटॉप में ऐसे ऐसे दिखेगा, तीनों का चैनल आर्ट है इसे कहते हैं। चलिए फिर इसमें मैं प्रोफाइल पिक्चर के लिए कुछ भी एक पिक डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसमें आप ये कैमरा का जो आइकन, यहाँ पर आप कर्सर लाएंगे तो कैमरा का आइकन आएगा। इसमें देखिए अपलोड का ऑप्शन आया, अपलोड फोटो, ठीक है, अपलोड फोटो में आप क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज नेट का, जैसा आपका नेट रहेगा वैसा ही ये रिस्पॉन्स करेगा। देखिए ये जो इसका प्रोफाइल पिक्चर आया है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, कितने का ज़रूरत है आपको, मतलब इतना ये फिक्स है इसका, इसमें आपको सेट करना है। ओके, यहाँ पर डन में क्लिक कर दीजिए, ये आपका प्रोफाइल पिक्चर सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पर ये सेट हो चुका है, ठीक है, बट नेट स्लो होने की वजह से यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्रोफाइल पिक्चर अभी तक नहीं आया है। एंड चैनल आर्ट में जाएंगे, इससे पीछे का एक कवर फोटो चेंज होगा। ये देखिए यहाँ पर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप का फैसिलिटी है, सेलेक्ट फोटो फ्रॉम कंप्यूटर में क्लिक करेंगे, और आपने जो फोटो सेव कर रखा है उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर रिकमेंडेड साइज भी दिया हुआ है, साइज छोटा या बड़ा होने पर खुद ब खुद ये नहीं लेगा, जो इसका साइज है वो खुद ब खुद ये ले लेगा। देखिए दैट फोटो यू आर अपलोडेड टू स्मॉल, मतलब बहुत ज़्यादा है, मस्ट बी एटलीस्ट 24 इतना पिक्सल का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये वाला डालकर देखते हैं, आई थिंक ये भी नहीं लेगा इस बार, शायद ले लेगा क्योंकि मैंने भी इस फोटो को अल्टर किया है, फोटोशॉप में जाकर इसके साइज को बड़ा किया है। चलिए ये इस बार ले लिया इसने, ये सिस्टम में ऐसे दिखेगा, फुल स्क्रीन में ऐसे और फोन में ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मैं ऐसे कर देता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, एडजस्ट क्रॉप करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट, ये सेव हो रहा है, ये देखिए सेव हो गया, और ये हमारा कुछ पोस्टर इस टाइप सा दिखेगा, चैनल आर्ट जो है। और ये प्रोफाइल फोटो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें हमेशा आने में, इसलिए घबराइएगा मत, ये आपका हो चुका है सेटअप, और ये कुछ देर में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही,
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें चैनल में कैसे आप वीडियो अपलोड करेंगे, कैसे इसको मोनेटाइज करेंगे, बिकॉज मोनेटाइज ऐसे जो आप यूट्यूब का नया टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से आपका 10,000 व्यूअर्स होने के बाद ही आप जो है वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हैं, चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब उस पर एड्स वगैरह आएंगे। ऐसे मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब के सारे फीचर्स के बारे में कि किस तरह से आप वीडियो अपलोड करेंगे, फिर लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कि ये क्या होता है लाइव स्ट्रीमिंग, एंड चैनल के सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एंड अर्निंग कैसे होती है, एंड आप इसे इससे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। आप कैसे इसमें जो है पैसा वीडियो डालने से आप अर्न कर सकते हैं, एंड आप वीडियो को ऑनलाइन मतलब यूट्यूब चैनल के अंदर ही कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर सकते हैं, ये सारा कुछ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप वीडियो डाल रहे हो, आप किसी और गाने पर किसी के साथ कोई डांस कर रहा है, बस आपका वीडियो तो नया है बट उसके पीछे जो सॉन्ग रहता है उसकी वजह से आपकी वीडियो जो है कॉपीराइटेड हो जाती है, क्लेम आ जाता है उस पर। तो ऐसा इसको दूर करने के लिए जो है मैं आपको बताऊंगा सारे फैसिलिटी के बारे में। तो आई होप इस वीडियो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को यानी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग हेल्पलाइन प्लस।